हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूंगी इस प्यारे से हिबिस्कस फ्लावर से। देखिए, इस ये मैंने कटिंग से प्लांट लगाया था और इसमें मुझे पहले भी काफ़ी सारे फूल मिल चुके हैं और बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, और उसके बाद आप देखिए ये कितना सुंदर फूल खिला है। 15-20 दिन फूल खिलने के बाद ये थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं प्लांट, और उसके बाद फिर से ये इनमें कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, मैं आपको इसमें कलियाँ दिखाती हूँ, इतनी सुंदर। और ये देखिए, गुच्छे में कलियाँ आ रही हैं। देखिए, एक एक ब्रांच में कितनी सुंदर सुंदर कलियाँ हैं, और कई सारी कली हैं। मैं आपको इसकी सारी ब्रांच दिखाती हूँ दोस्तों। बहुत ही प्यारी प्यारी कलियाँ आई हुई हैं इसमें। ये देखिए देखिए, इसमें कितनी सारी कलियाँ हैं। और मैं आपको अब दूसरी वाली ब्रांच दिखाती हूँ। ये देखिए, जब फूल खिलेंगे तो इतने अच्छे लगेंगे, एक साथ कितने सारे फूल खिलेंगे। और दोस्तों, मुझे इसके पत्ते थोड़े से पीले पीले लग रहे हैं। मुझे लग रहा है इसमें किसी भी चीज़ की कमी हो रही है, कैल्शियम वगैरह की। तो अब मैं इसमें कल किस चीज़ का स्प्रे वगैरह दूंगी वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। आज मैंने जिस विषय पे वीडियो बनानी है मैं उस पर आती हूँ दोस्तों। तो चलिए अपने उस पेड़ के पास चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो है वो इस पेड़ के ऊपर है, और ये पेड़ आप पहचान ही गए होंगे किस चीज़ का है। इसको गंधराज भी बोला जाता है। इसके फूल जो हैं बहुत ही खुशबूदार होते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे ग्रो किया था। दोस्तों, मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। ये देखिए, ये इसकी कटिंग है, और मैंने इस कटिंग को ग्रो किया था। इधर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी कटिंग है, और उसके बाद हर इस दोनों दो डंडियाँ थी इस कटिंग में, और उसमें हर उसमें कई कई ब्रांच निकल के आई हैं। और ये इतना पहले शुरू में तो एक महीने तक बिल्कुल इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हुई थी, और उसके बाद देखिए कितनी प्यारी ग्रोथ हुई है, एकदम ग्रीन। और अब इसमें देखिए दोस्तों, बहुत जल्दी इसमें कलियाँ आ गई। देखिए कितनी प्यारी कलियाँ आई हैं दोस्तों, और इतनी खुशी हुई उसके बाद। ये फूल खिला है, इसका पहला फूल है, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और इसकी खुशबू तो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इसका एक नाम गंधराज भी पड़ा है, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पूरे गार्डन को महका देती है। और ये फूल कल खिल गया था। मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी कि जब तक इसकी कलियाँ खिली हुई हैं तभी वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज देखा, कल देखा कि ये फूल खिल चुका है एक इसमें, और अभी इसमें ये 4-5 कलियाँ आई हैं, और दूसरी ब्रांच पे नहीं आई है, सिर्फ एक ही ब्रांच पे आई है। क्योंकि दोस्तों, ये अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस कटिंग को ग्रो किए हुए, थोड़ा सा ही टाइम हुआ था, तो पहली फ्लावरिंग जो है बहुत हल्की ही होती है गंधराज में। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने इसको एक कटिंग से लगाया था। कटिंग चलने के बाद इसमें 3-4 महीने में ही मेरे फूल खिल गए हैं। तो गंधराज के पेड़ को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं दोस्तों, और वो बड़े आराम से लग सकती है। इसकी सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात करते हैं, तो मैंने इसके लिए कोई अलग से खास मिट्टी नहीं बनाई है, वही मिट्टी है मेरी, सैंड और वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सब मिक्स करके हम जो नॉर्मल मिट्टी बनाते हैं वही मिट्टी बनाई है मैंने, और उसमें ऐसे ही कटिंग लगा दी थी। कटिंग लगाते समय भी मैंने किसी भी चीज़ का अलग से प्रयोग नहीं किया था, इसमें सिर्फ मेरा एलोवेरा लगा हुआ था घर में, उसका थोड़ा सा नीचे कटिंग में एलोवेरा को लगा दिया था डंडी में, और उसके बाद ऐसे ही इसमें मिट्टी में लगा दिया था, और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। मैंने दो कटिंग लगाई थी, एक कटिंग चल गई मेरी और एक खराब हो गई। तो दोस्तों, हम जब भी कटिंग लगाएं तो एक नहीं लगानी चाहिए, हमें 3-4 कटिंग लगानी चाहिए। मैंने तो दो ही लगाई थी, पर 3-4 तो लगानी चाहिए। अगर एक दो खराब हो जाती है तो एक दो कटिंग उनमें से चल जाती है। और दूसरी बात की इसकी इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं होती, गर्मियों का ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक बार पानी देना होता है दिन में, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और मिट्टी की बात हो गई, पानी की बात हो गई, अब बात करते हैं हम इसमें कीड़ों के अटैक की। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कीड़े का मुझे अब तक तो कोई भी अटैक दिखा नहीं है, और अगर लगता भी होगा मिलीबग वगैरह, तो उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी बात कि हम पानी से शावर कर दें अगर रोज़, तो उसके पत्ते बिल्कुल साफ रहेंगे। देखिए, मेरे पेड़ के बिल्कुल भी कोई कीड़े का अटैक नहीं है, एकदम फ्रेश पत्ते हैं, किसी भी तरह का कीड़े का कोई अटैक नहीं है। देखिए, आप ये पलट के भी देख सकते हैं और सामने से भी देख सकते हैं, कोई कीड़ा नहीं है इनमें। लेकिन अगर कोई कीड़ा लग जाता है इनमें, तो फिर पानी से स्प्रे करते रहिएगा, और उसके बाद अगर पानी से साफ ना हो तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन नीम ऑयल तो है ही।
थोड़ा सा नीम ऑयल लेके थोड़ा सा उसमें हैंड वॉश मिला के और इसमें स्प्रे कर दीजिएगा। हफ्ते में 2 बार भी अगर स्प्रे कर दिया तो फिर इसमें जो भी कीड़ा मिली बग वगैरह होगा वो साफ़ हो जाएगा। और अब बात करते हैं इसको खाद देने की। तो वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, लेकिन जब इसी हमें अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो थोड़ा बहुत तो हमें इसे खाद पानी देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए अब तक तो मैंने इसमें 2 बार बर्मी कंपोस्ट दिया है एक एक महीने के अंतराल पे, लेकिन अब मैं इसमें लिक्विड खाद बना के और वो दूंगी। सबसे अच्छा मैं अपने कोई भी हमेशा ऑर्गेनिक खाद का ही यूज़ करती हूँ, तो केले के छिक्कल सुखा के रखती हूँ दोस्तों, मैं वो पीस के और हर उसमें डालती रहती हूँ। केले के छिक्कल हैं, प्याज के छिक्कल हैं, हमारे घर से जितनी भी खाद वगैरह निकलती है वही यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए और अच्छी लगे तो आप पहले तो पूरी वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। थैंक यू।